अपान वायु मोर फिजिकल है, बहुत साइकोलॉजिकल नहीं है, मोर फिजिकल है। जैसे अगर आप सांस सांस की बात छोड़ दोगे, अगर मैं कहूं कि लेट जाओ एक पोजीशन पे, और अगर मैं कहूं कि ऐसा है कि सिर्फ पेट को धीरे धीरे फुलाओ, बहुत धीरे धीरे पेट को सिर्फ फुलाओ और होल्ड कर दो फॉर 3 सेकेंड्स और पेट को रिलैक्स कर दो, कंप्लीट रिलैक्स, ठीक है ना। तो अब इसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है? नॉर्मली प्राणायाम में जब आप सांस लेते हो तो पेट फुलाते हो और सांस निकालते हो तो पेट को रिलैक्स कर। हमें यहाँ पर जरा समझो, अब आप सांस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ रख रहे हो, यहाँ पे आपको सांस को प्रायोरिटी नहीं रखनी, सांस को फर्स्ट पे नहीं रखना, नो, ब्रीदिंग फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं होगी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एब्डोमेन को आउट करना है, होल्ड करना है और एब्डोमेन रिलैक्स करना है, दैट्स इट। सेकंड प्रायोरिटी ब्रीदिंग हो जाएगी। मैं अभी आपको कहूं कि पेट को फुलाओ, होल्ड करो और रिलैक्स कर दो, इसमें ब्रीदिंग का पार्ट कहाँ आया? जब आप पेट को फुलाते हो, होल्ड करते हो तो ब्रेथ होल्ड हो जाती है, पेट को जब होल्ड करते हो आउट करके, और जब एब्डोमेन को रिलैक्स करते हो तो ब्रीद आउट हो जाता है। यहाँ पे ब्रीदिंग सेकेंडरी हो गई, माइंड हमारा एब्डोमेन को फुलाने पे फोकस कर रहा है और ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग हो रहा है। माइंड को जब एब्डोमेन को फुलाने पर फोकस कराओगे तो मसल्स पर ज्यादा उसका मैनेजमेंट शुरू होगा रेदर देन ब्रेथ पे। ब्रीदिंग का प्रोसेस फॉलो हो रहा है लेकिन आपका माइंड फोकस है एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमेन की मसल्स पर फोकस। जो मसल्स की मूवमेंट है, माइंड ने पूरी एब्डोमेन की मसल्स को फुलाना चालू कर, धीरे 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 एब्डोमेन की मसल्स को फुला रहे हो, बहुत आराम से, बहुत जल्दी नहीं हो सकता। तो आपका मैनेजमेंट मैस्कुलर मूवमेंट पर रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि ये उंगली को ऐसे करिए और ऐसे ऐसे धीरे 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 ले आइए। अगर आप मैं तो देखा नहीं एक्टिंग वगैरह, लेकिन मैं विजुलाइज कर सकता हूँ कि एक एक्टर को अगर वो सो रहा है एक्टिंग करने में और उठने की एक्टिंग करेगा वो, तो आँख को कैसे खोलेगा? आँख को ऐसे इमीडिएटली तो खोलेगा नहीं ना, तो आँख को धीरे धीरे खोलेगा, तो ताकि कैमरा अच्छी तरह से उसके स्लो मूवमेंट को कैप्चर करे। अब आप एब्डोमेन की मसल्स को कैसे फुलाओगे? वही स्लो मूवमेंट पे कर लो। तो जब स्लो मूवमेंट पे करोगे तो आपके का जो माइंड है वो एब्डोमेन के पूरे मसल्स पर कंट्रोल करेगा। लेकिन अब बहुत जल्दी करोगे, ऐसे अगर आंख को खोल दो तो आपको ये फील नहीं कर पाओगे, आप मसल्स की मूवमेंट को फील नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इसी आंख को बहुत धीरे धीरे करो तो आपको, आपका माइंड इस पलकों के हर एक मूवमेंट को फील कर लेगा, इवन कि पलक के ऊपर वाले हिस्से को भी कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कर ही रहा है तभी तो धीरे धीरे कर रहा है। इसी तरह एब्डोमेन की मसल्स को फुलाना चालू करो, अभी बैठे बैठे सीख लो। एब्डोमेन की मसल्स को धीरे धीरे फुलाना चालू करो, अपने आप सांस अंदर चली जाएगी, फेस रिलैक्स होना चाहिए, ये प्रायोरिटी में होल्ड करो और रिलीज कर दो। जब आपका माइंड आपके मसल्स को कंट्रोल करता है और रिलैक्स कर देता है तो अपान वायु नियंत्रित हो जाता है। देखो मेरी आँख, देखो अब मैंने आँख खोलना शुरू किया, अब थोड़ी देर के लिए स्टे हो गया, फिर बंद किया, फिर यहाँ थोड़ा पॉइंट के लिए स्टे हुआ, क्योंकि रिलैक्सेशन तो फील करोगे ना स्टे करने पे ही, मूवमेंट पे कभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते। जब आप रुकोगे तभी रिलैक्सेशन फील ज़्यादा करते हो। तो इसमें क्या है, आँख खोलना है, पॉज करना है, फिर बंद करना है, फिर पॉज करना है, ये हर लाइफ में हर जगह होता है। ऐसे मोमेंट किया, होल्ड किया, फिर ऐसे खोला, फिर यहाँ होल्ड हुआ, पेट की मसल्स को फुलाया, थोड़ा पॉज किया ताकि फील करोगे, रिलैक्स करोगे वो 2-3 सेकेंड का पॉज, फिर वापस। लेकिन 2-3 सेकेंड काउंटिंग नहीं करने की, 1-2-3 ऐसे नहीं करना,
केवल विजुअलाइज कर लो कि इतने में हम 3 सेकंड में हमको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट एब्डोमेन को फुलाने में ज़्यादा थोड़ा करना पड़ जाए, तो माइंड अपने आप उसे इतनी ट्रेनिंग दो कि कितने लेवल पे वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रोक लेगा। तो मुझे मेरी आँखें उतनी देर तक पॉज ले लेती हैं जितनी ज़रूरत होती है और फिर वो आँख बंद कर लेती है। जितनी देर तक ज़रूरत होती है वो पहले आँख को खोल के पॉज करा लेता है और फिर बाद में धीरे धीरे बंद करा लेता है। जब उसको थोड़ा थकान होने लगती होगी तो वो पॉज करा लेता, रिलैक्स कर देता है, फिर खोल लेता है। ऐसे ही एब्डोमेन को भी ट्रेनिंग दो, ऐसे ही लंग्स को भी ट्रेनिंग दो, ऐसे बॉडी के हर एक हिस्से को ट्रेनिंग दी जाती। यही तो हमें समझना होता है, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे हठ योग। हठ योग इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आपके बॉडी को पकड़ने की सलाह देता है कि पहले माइंड अपने सबसे पहले साधन को कंट्रोल करे, बाहर के नहीं। बाहर कंट्रोल नहीं है हमारा, हम बाहर नहीं नियंत्रण कर सकते, लेकिन पहले हम अपने बॉडी और सेंस को नियंत्रण कर सकते। वो अगर हम उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन फील कर ले गए तो हम दुनिया की प्रॉब्लम को फेस कर सकते। लेकिन अगर हम यही हमारा नज़दीकी सबसे जो क्लोजेस्ट है वही मैनेजमेंट के बाहर है, उसी से हम दुखी हैं, उसी से परेशान हैं, तो हम बाहर नहीं हैंडल कर सकते। तो पहले ये हठ योग इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि हर लेवल तो ज्ञान योग है, पर कॉमन लोगों की। तो जब एब्डोमेन फुलाओ बहुत धीरे धीरे, यहाँ पे मैं धीरे धीरे करना सीखो, जल्दीबाजी नहीं। इसका मतलब कि पेशेंस भी डेवलप कर रहे हो यहाँ, तो धीरे धीरे में ही आप फील कर सकते हो, जल्दी जल्दी में फील नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी में रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन बहुत तेज चल रही है, आप एक आदमी को भी नहीं देख सकते, आदमी बैठे हैं या जानवर बैठा है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन ट्रेन को बहुत धीरे धीरे कर दो, ईच एंड एवरी मोमेंट आप देख सकते हो कौन बैठा है, इवन के फेस भी किसी किसी के रिकॉग्नाइज कर सकते। तो लाइफ में तेज चलना इजी है, माइंड को तेज चलाना इजी है, स्लो चलाना पॉसिबल क्या, मतलब बहुत मुश्किल काम है। पर जैसे जैसे हम फिजिकली मैच्योर होते हैं हमें स्लो होना चाहिए, माइंड को स्लो करना है। स्लो करना हम लोग गलत समझते हैं, सो के उठे मॉर्निंग में इमिडिएटली किचन में भागना है, जल्दी जल्दी करना है। बॉडी नहीं भाग रही है जितना माइंड भगा रहा है, तो माइंड को स्लो कर दो, भले बॉडी को भगा लो ये चल सकता है, लेकिन बॉडी चल रही है और माइंड बहुत तेज जा रहा है, उससे ज़्यादा तेज जा रहा है तो नहीं, फिर डिजीज हो जाए। इसीलिए एब्डोमिनल मूवमेंट वन ऑफ द बेस्ट है, आपको स्लो प्रोसेस भी सिखा रहा है, सेटिस्फेक्शन भी सिखा रहा है और पॉज भी सिखा रहा है, एब्डोमिनल एरिया में मस्कुलर कंट्रोल भी सिखा रहा है और साथ साथ रेक्टम और यूरिनल ट्रैक को भी बेटर कर रहा है। क्लियर? अब आ जाओ इसी को उदान वायु के लिए कैसे किया। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्लस फेशियल मसल्स रिलैक्सेशन, यहां पर आपकी प्रायोरिटी एब्डोमेन को आउट करने में नहीं है। नोट करो, सेम चीज आप कर रहे हो पर प्रायोरिटी बदल गई। यहां पर आपकी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले ब्रेथ को फील करोगे, ब्रीद इन ऑटोमेटिकली एब्डोमेन आउट। अभी फील कर लो ना, ब्रीद को फील कर रहे हो, ऑटोमेटिकली एब्डोमेन आउट हो रहा है और तब तक ब्रीद इन करते रहोगे जब तक आपको लगे कि हाँ अब इतने में सेटिस्फाइड हो गए हैं, इतनी ब्रीद इन एनफ। फेस इसमें रिलैक्स है, कंफर्टेबल है, आईज रिलैक्स्ड हैं, सेंसेस रिलैक्स्ड हैं, हम खुश हैं इसमें। इतना पॉज पे होल्ड कर लिया, ये भी खुश हैं। अब ब्रीद आउट को मुंह से छोड़ दो, माउथ से एक्जेल करना है, ध्यान देना, एक्जेल थ्रू माउथ, एक्जेल वाय माउथ, ठीक है ना। माउथ से स्ट्रेस रिलीज होता है, जैसे आप परेशान हो, गुस्से में हो तो माउथ से एक्जेलेशन करते हैं, सिंपल। तो एक्जेल कर रहे हैं, ब्रीद आवाज को भी इसमें देख लो माउथ से, और ब्रीद आउट भी करते रहो, नेचुरल वे में जाने दो। जब आप नेचुरल वे में ब्रीद आउट को जा रहे हो तो फेस पर माइंड को शिफ्ट कर दो, माइंड को ब्रीद आउट पे मत शिफ्ट करो, माइंड को ले जाओ फेशियल मसल्स के रिलैक्सेशन पर फोकस करा दो। ये उदान वायु के लिए मैं बता रहा हूं। जब आप फेस की मसल्स पर
रिलैक्सेशन कराने लगोगे तो ये डायाफ्राम बिल्कुल लूज हो जाएगा। इनहेल पर यहाँ ऑक्सीजनेशन हो रही है और आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है ब्रीद इन की। एब्डोमेन आउट में एक मैस्कुलर मूवमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी ब्रीदिंग से सेटिस्फेक्शन हो रही हो, और ऐसी ब्रीदिंग जिसमें कोई स्मेल नहीं है, ऐसी ऑक्सीजन जिसका कोई शेप नहीं है, तो शेपलेस ऑब्जेक्ट को फील कर रहे हो, एब्डोमेन की मसल्स ऑटोमेटिकली आउट हो रही है और उतना फील कर रहे हो जितने में आपको क्वांटिटी पता चल रही है कि आपने उतना लिया और आपको ये लगा कि ये क्वांटिटी परफेक्ट है, इतने में हम सेटिस्फाइड हैं। अब आप सेटिस्फेक्शन भी इसमें ढूंढ रहे हो कि ये लेवल पे सेटिस्फेक्शन। गुरु ने ये डिसाइड नहीं किया कि आप 3 सेकंड में लो, 3 सेकंड होल्ड करो तो 8 सेकंड में निकालो। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न सेट किया, यहाँ पे आप कोई अनुभव नहीं कर पा रहे हो अपने आप। वहां पर ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप खुद अनुभव कर रहे हो। अब मीन्स कि ये सब एक्सपेरिमेंटेशन है, ऐसे ही आप मास्टर बनते हो, उस तरह नहीं बन। 5 मिनट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, धोंक दिया पेट को ऊपर नीचे, ब्रीद कर लिया से, अरे क्या है इसमें, कोई अनुभव है क्या, इसमें कनेक्टिविटी है क्या, कुछ नहीं। तो जब आप अनुभव करोगे, जब आप इस तरह की मूवमेंट करोगे तो ब्रेन बहुत कूल हो जाएगा। ब्रेन इतना कूल होगा, ध्यान देना ये हठ योग है, ये बहुत ज्ञान योग नहीं है। आपने अपनी ब्रेन की नर्व्स को इतना कूल कर दिया कि वो थॉट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ज्ञान से नहीं है ये ज्ञान से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपने अपने ऑर्गन को, इंटरनल सेंस को इतना कूल कर दिया कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है थॉट्स को। तो धीरे धीरे आप थॉटलेस स्टेट में चले जाए, तो कम से कम 2-4-10 मिनट आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप 90% देखो, अगर यही सेम चीज रात में कर लोगे, आप 11 मिनट, मैं तो 11 मिनट बोल देता हूँ, जब आपकी सेंस बिल्कुल लूज हो रही है, बिल्कुल हायर लेवल पे, डीप लेवल पे चली गई, कूल हो गई, ठंडी पड़ गई, थॉट ले नहीं रहा है, वो डीपर लेवल की स्लीप आ गई, तो जब आप सुबह उठोगे तो कितनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। 99% उदान वायु के लोग जब सुबह उठते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होते। लगभग 30-35% लोग जो अपान वायु से ग्रसित होते हैं, वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इतना रात में होता है सोते समय कि वो रात भर पलटते रहते हैं। आप लोग अपने आप को देख लीजिएगा, रात भर वो पलटी अल्टी पलटी मारते हैं। 30% लोग पेट की बल इसलिए सोते हैं क्योंकि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। मेरी डायग्नोसिस आप चेक कर लो अपने। तो जब आप एब्डोमेन को एक्सपेंशन करते हो, रिलैक्स करते हो, तो आपको डीप स्लीप एब्डोमिनल के कारण हो गई, एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो गई। जब आप उदान वायु के लिए ये वाली ब्रीदिंग अप्लाई करते हो, सेम ब्रीदिंग जिसमें प्रायोरिटी ब्रीदिंग की है, तो आपका ब्रेन और आपकी सेंस कूल हो गई। अब आपको दोनों तरफ से स्लीप मिल गई, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हट गया, अब आपका मेंटल डिस्कम्फर्ट भी हट गया। जब दोनों आपके पास ठीक हो गए तो आप कितनी डीप स्लीप पे जाओ। तो ये दो ब्रीदिंग रात में जरूर करो। ब्रीदिंग क्या, एक तो एब्डोमिनल एक्सपेंशन कर दो उसको, और एक में एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बट ये फेस मसल्स को रिलैक्स करना। ये दो टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट बिफोर स्लीप। मॉर्निंग में भी कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में फिर ज़्यादा करोगे तो काम करने का मन नहीं रहता ज़्यादा, तो मॉर्निंग में कम करो, वो आप चेक कर लेना अपने आप।